हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, एल नीनो अदर फैक्टर टू कॉज वार्म विंटर। तो एल नीनो को बोला जा रहा है एक फैक्टर है जिसके वजह से वार्म विंटर आपका हो रहा है। तो एल नीनो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एल नीनो का एक और पार्ट है लानीना, ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे बाद में। पहले आर्टिकल देख लेते हैं। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज़ फॉरकास्ट अ वार्म विंटर सीजन अक्रॉस द कंट्री, सेइंग मिनिमम टेम्परेचर कोल्ड रिमेन हायर देन नॉर्मल। दिस फॉलोज एन ओवरऑल वार्मिंग ट्रेंड एक्सपीरियंस ग्लोबली, इंक्लूडिंग इंडिया विच विटनेस्ड द थर्ड वार्मेस्ट नवंबर सिंस 1901। तो 1901 से ये थर्ड वार्मेस्ट है आपका नवंबर, इतना गर्म नवंबर कभी रहा नहीं है। विथ फेबरी अगस्त एंड नवंबर बींग द वार्मेस्ट मंथ सिंस 1901 इन इंडिया, 2023 इज ऑन इट्स वे टू बिकमिंग द वार्मेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड ऑन द अर्थ। ड्यू टू लार्ज स्केल फीचर्स लाइक एल नीनो, इन एडिशन टू द रीजनल फैक्टर्स लाइक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड द अपकमिंग साइक्लोन डेवलपिंग इन द बे ऑफ बंगाल, देर आर चांसेस ऑफ हायर देन नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर मतलब सबसे कम टेम्परेचर, और हायर देन नॉर्मल, नॉर्मल अगर होता है -5 डिग्री सेल्सियस तो हायर इससे हो जाएगा आपका -3, -4, -1, -2, तो मानिए -1 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब नॉर्मल तो इतना रहता है -5, और हाइयर अगर -1 देख रहे हैं तो ये टेम्परेचर गर्म हो गया ना, इसीलिए इसको गर्म बोला जा रहा है। मेकिंग इट वार्म विंटर सीजन इन द कंट्री सेड, इतना ठीक है। फ्यूअर एंड लेस इंटेंस कोल्ड वेव्स कुड फर्दर कीप दी दिसंबर टू फेबरी पीरियड वार्म। तो ये बोला जा रहा है दिसंबर से फरवरी को भी थोड़ा सा वार्म रखा जाएगा। एट प्रेजेंट द एल नीनो कॉन्ट्रीब्यूशन, तो एल नीनो कॉन्ट्रीब्यूशन द वार्मर देन यूजुअल सी सरफेस टेम्परेचर रिकॉर्डेड ओवर द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन इज इंचिंग टू इट्स पीक। एज पर द रिसेंट ऑब्जर्वेशन द नीनो 3.4 रीजन रिमेन्ड 2.4 डिग्री सेल्सियस अबव द थ्रेश होल्ड, ही सेड। अमंग अदर रीजन्स लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू वार्म विंटर आर क्लाउडी कंडीशन कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पुशिंग अप ऑफ मिनिमम टेम्परेचर। तो ये क्लाउडी कंडीशन जो है इसको भी, इसके वजह से भी टेम्परेचर राइज हो रहा है। फर्दर द सून टू डेवलप साइक्लोन विल ऑल्सो कॉज क्लाउडीनेस एंड द मिनिमम टेम्परेचर ओवर द साउथ पेनिनसुलर इंडिया एंड ईस्टर्न कोस्टल इंडिया विल रिमेन अबव नॉर्मल ड्यूरिंग द अपकमिंग डेज। तो साइक्लोन के वजह से भी ये चीज जो डेवलप हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, उसके वजह से भी होगा। ड्यूरिंग दिसंबर टू नो सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द मर्क्यूरी इज एक्सपेक्टेड एंड द मिनिमम टेम्परेचर ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अबव नॉर्मल। मीन वाइल द इम्पेंडिंग साइक्लोन मिचाउंग इन साउथ बे ऑफ बंगाल मूव टूवर्ड्स सदर्न कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु। द IMD हैज इशूड अ रेड अलर्ट, तो यहाँ पे रेड अलर्ट पहले से इशू हो चुका है। वॉर्न्ड ऑफ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल ओवर 200 मिलीमीटर्स ऑन December 3 and 4 ओवर कोस्टल आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड नॉर्थ तमिलनाडु इंक्लूडिंग चेन्नई। द साइक्लोन शैल अफेक्ट तेलंगाना एंड सदर्न उड़ीसा इन द कमिंग डेज, द IMD हैज वॉर्म्ड। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देख ले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कारण है कि वार्म टेम्परेचर क्यों है, तो अगर मैं लिखूँ वाई वार्म टेम्परेचर और विंटर, तो वार्म टेम्परेचर और वार्म विंटर क्यों हो रहा है, तो पहला रीज़न आपका एल नीनो, ठीक है। सेकंड रीज़न क्लाउडीनेस ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। थर्ड आप देखिए क्लाउड फॉर्मेशन ड्यू टू साइक्लोन एट द रेट बे ऑफ बंगाल, मतलब बे ऑफ बंगाल में, और इस साइक्लोन का नाम क्या है, ये रहा था, ठीक है। और एक दो तीन ये रीज़न हो गए हैं, तो इसमें तो बस इतना ही था आर्टिकल में जानने के लिए। पर अब हमें जानना, और ये साइक्लोन आ कहाँ पर रहा है आप देखिए, अगर इसको हम लोग ये इंडिया का मानते हैं, पेनिनसुलर इंडिया है,
यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे उड़ीसा हो गया, तो यहाँ पर आ रहा है साइक्लोन। साउथ ये बे ऑफ बंगाल हो गया आपका, नीचे में इंडियन ओशन, ये अरेबियन सी, तो यहाँ पर आ रहा है आपका साइक्लोन। तो साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ऑफ तमिलनाडु, और अफेक्टेड एरिया कौन से रहेंगे? कोस्टल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड ऑल्सो तेलंगाना। तो इतना ही था इस आर्टिकल में जानने के लिए। और आप देखिए एक बार एल नीनो का थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, एल नीनो के इफेक्ट्स क्या है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जैसे हम लोग देखें नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि आपकी जो विंड्स आ रही हैं, यहाँ पे ये इक्वेटर हो गया आपका, इक्वेटोरियल जो विंड्स चलती हैं आपकी इस डायरेक्शन में चलती है, ये आपके ऐसे चलते इक्वेटोरियल विंड्स, ठीक है, ये इक्वेटर पे। तो आप देखिए ये नॉर्थ नॉर्थ से आ रही है और ईस्ट से आ रही है, तो नॉर्थ ईस्ट विंड्स हो गई। और नीचे से आप देखिए साउथ से आ रही है और ईस्ट से आ रही है, तो ये हो गए विंड्स आपके डायरेक्शन। ये नॉर्मल कंडीशन होता है, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन आप देखिए यहाँ से पानी, अब पानी जब इस तरफ विंड चल रही है ट्रेड विंड, तो पानी सारा इधर जा रहा है, ऊपर का टेम्परेचर पानी का गर्म रहेगा सनलाइट की वजह से, सारा पानी इधर आपका शिफ्ट हो रहा है। तो आप देखिए ये लेवल पानी का इधर ज़्यादा आ गया, जब पानी इधर वार्म वाटर इधर आ गया, तो नीचे से अपवेलिंग होकर कोल्ड वाटर ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है आपका, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर आपका हाई हो जाता है। देखिए ये कलर भी बता रहा है आपका, यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर आपका क्लाउड फॉर्मेशन होने लगता है। तो एक सिंपल सी चीज़ हमने देख ली, ये ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट हो गया, ये इंडियन ओशन हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, और बीच में आपका हो गया पैसिफिक रीजन, तो ये इंडो पैसिफिक पूरा रीजन हो गया। कोल्ड वाटर यहाँ पे अपवेल करके ऊपर आ गया, और यहाँ से पानी ऐसे इधर में आ गया, ऊपर का वार्म वाटर, तो यहाँ पे वार्म वाटर हो गया, लो प्रेशर ऊपर फॉर्म होता है, फिर उसके ऊपर हाई प्रेशर हो गया, तो क्लाउड फॉर्मेशन होके ऐसे आपकी बारिश होती है, ठीक है। यहाँ पे गुड मानसून मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर क्लाउड फॉर्म होगा तो बारिश होगी, इधर जाएगा तो गुड मानसून के लिए अच्छा है। अब ये हो गया नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अब आप देखिए एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो को बोला जाता है लिटिल बॉय, ठीक है। तो बॉय लोग खतरनाक होते ही हैं, अच्छे नहीं होते इतने, तो लिटिल बॉय। एल नीनो में क्या होता है, जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होती है आपकी वीक हो जाती है, तो जो हवा ऐसे जा रहा था वो वीक हो गया, अब हवा आपका जाने लगा उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे अपवेलिंग हो रहा था, अपवेलिंग अब इधर नहीं होने लगा, सारा वार्म वाटर आपका इधर इकट्ठा होने लगा, यहाँ पे जो पहले वार्म वाटर इधर हो रहा था वो हो गया इधर, तो वार्म वाटर आपका साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे इकट्ठा होने लगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे अपवेलिंग होने लगी, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर आ गया, कोल्ड वाटर आ गया तो ड्राई कंडीशन आ गया, ड्राई कंडीशन से ड्राई एयर आ गया, तो यहाँ पे जब सब कुछ ड्राई हो गया तो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर जैसा कंडीशन बन गया। अब यहाँ पे जब वार्म वाटर आ गया तो वेट कंडीशन आ गया, वार्म वाटर की वजह से, क्योंकि मॉइस्ट एयर है, अब यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा, ठीक है, तो पेरू करेंट्स यहाँ पे वीक होंगे, और इसके वजह से मानसून जो होगा आपका इंडिया में वीक होगा। इसीलिए एल नीनो में आप देखिए एल नीनो में कंडीशन उल्टे हो जाते हैं आपके, यहाँ पे ट्रेड विंड्स पहले ऐसे चल रहे थे पर ये वीक हो गए, तो ट्रेड विंड्स ऐसे चलने लगे, ठीक है। अब जो वार्म वाटर यहाँ इकट्ठा हो रहा था वो अब यहाँ पे इकट्ठा होने लगा, जब वार्म वाटर आपके साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ से अपवेलिंग हो रही है, अब यहाँ पे ठंडा पानी आ रहा है, जब ठंडा पानी यहाँ पर आ रहा है आपका, तो आप देखिए जब ठंडा पानी यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पे ड्राई कंडीशन हो जा रही है, ड्राई कंडीशन हो जा रही है, पूरा आपका एयर ड्राई हो जा रहा है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर जैसा हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब पानी गर्म हो रहा है तो वेट कंडीशन हो जा रहा है, तो यहाँ पे बारिश हो रही है, फ्लड हो रहा है, तो यही एल नीनो है आपका। एल नीनो का हम लोग देख लेते हैं एल नीनो से होता क्या है। अब देखिए इंडिया में मानसून आपका वीक होगा, ड्रॉट जैसा कंडीशन होगा एल नीनो की वजह से इंडिया में। ऑस्ट्रेलिया में जैसे हमने पढ़ा फॉरेस्ट फायर हो गई आपका, साउथ अमेरिका में हमने देख लिया आपका हैवी रेनफॉल होगा, और ठीक इसका उल्टा होगा लानीना में। लानीना में आप देखिए वो विंड्स और स्ट्रांग हो जाते हैं, जो हमने पढ़ा कि ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ अमेरिका नॉर्मल ऐसे हवा जाता है, ट्रेड विंड्स, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स आपके नॉर्मल ऐसे होते हैं, ये स्ट्रांग इसी डायरेक्शन में हो जाते हैं, जब इसी डायरेक्शन में स्ट्रांग हो जाते हैं तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, इंडिया में स्ट्रांग मानसून और फ्लड होगा, ऑस्ट्रेलिया में फ्लड और साउथ अमेरिका में एक्सट्रीम ड्रॉट। तो आप देखिए इसको, ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो यही था इसमें एल नीनो लानीना, तो हम लोग थे अपने आर्टिकल पे, तो मैंने आपको लानीना और
एल नीनो, ये लिटिल बॉय हो गया, ये लिटिल गर्ल होगी। तो बॉय बॉय को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव, तो बॉय यानी ड्रॉट, ठीक है। गर्ल गुड, तो यानी फ्लड। तो ये हो गया याद करने का तरीका, इतना ही था। थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।